श्री हरिहर हॉस्पिटल। एक अपॉर्चुनिटी था, सांफिया फाउंडेशन एक नया संस्था बनी थी, तो नॉर्मली जो नया संस्था को CSR स्कीम में देने के लिए लोग सोचते हैं, लेकिन हमें स्मृति की जो इनिशिएटिव और एफर्ट था, हमें लगा था कि उसमें जो जुनून है कि करने के लिए, और ख़ास करके ये डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड को केयर करने के लिए करने का जो इच्छा था, तो हमने वो सोच के, चाहे वो नया संस्था हो जो भी हो, हमने उनको सपोर्ट किया था। और आज हमें यहाँ आकर बड़ा खुशी हुआ, और देख के लाइफ एक्शन देख के कि इन्होंने कितना सेल्फलेस एफर्ट करके, और इतने सारे पेरेंट्स आए हुए हैं, और मैंने अभी पेरेंट्स से बात भी किया, तो पेरेंट का अंदर से जो खुशी और जो ग्रैटिट्यूड एक एक्सप्रेस कर रहे थे, जबकि मुझे तो ग्रैटिट्यूड लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी सरकारी संस्था है, हमारा भी काम है, कर्तव्य है कि इस तरह संस्था को हमें आगे आके और बढ़ावा देने के लिए, तो हम आगे भी कोशिश करेंगे कि सांफिया फाउंडेशन को और ये आज चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर को और सांफिया फाउंडेशन के बाकी भी कोई सेंटर के लिए हमारे लिए और भी कुछ करने का कभी अवसर रहेगा तो हम करेंगे। अभी मेरा स्मृति जी से बात हो रहा था, उनको और भी मदद का ज़रूरत है, अगर उनके पास बसेस और होंगे या और सेंटर कर पाएंगे तो और अच्छी तरह इस काम को आगे बढ़ा पाएंगे। तो आज जो दिक्कतें हो रहा है, क्योंकि हिली रिया होने के बावजूद लोग कितने कितने दूर से आ रहे हैं, और एक पेरेंट से मेरा इंटरेक्शन होने से जो पता चला, उनको पहले 15-15 घंटा लग जाता था बच्चे को लेके आने के लिए, और हमारे कलीग ने उनको स्पेसिफिकली पूछा कि आपने यहाँ पे आके ट्रीटमेंट करा के आपको फ़ायदा हो रहा है, तो उन्होंने साफ बताया कि उनको बहुत ही फ़ायदा हुआ है इसमें, और प्लस जो बाकी बच्चों से इंटरेक्शन करके हमें लगा ये तो एक यूनिक टाइप का चीज़ है, और हमें सरकार तो काफ़ी कुछ काम कर रही है, और हमारे जैसे संस्था, खाली हमारा नहीं, हमारे जैसे संस्था और भी होना चाहिए जो इस काम को और आगे आके सपोर्ट करे, और ये सपोर्ट करके हमें भी अच्छा खुशी हो रहा है। और मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था जो सांफिया फाउंडेशन माध्यम से, अगर शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से जो है डाइट कुल्लू जो है इस कैंप का आयोजन कर रही है, और इसमें हमने जो है 25-25 बच्चों के दो ग्रुप बनाए हैं। कोविड की वजह से जो है समस्या थी, तो हमने 25-25 बच्चों को जो है 6-6 दिन का कैंप आयोजित करने का प्लान किया है। इसमें हमने पहला हमारा 4 तारीख से शुरू हुआ था पिछले कल से, और ये 10 तक चलेगा, और दूसरा जो शिविर है वो 11 से 17 तक होगा। तो इसमें 25-25 बच्चे, उनके अभिभावक भी आ रहे हैं साथ में, तो हम यहाँ पे इनको फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी की सुविधाएं जो है आश विकास बाल विकास केंद्र में दे रहे हैं, और मैं आश बाल विकास केंद्र का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ये सुविधा यहाँ पर बच्चों को थेरेपी देने की दी है, और आगामी भी ये सुविधाएँ इस तरह से देते रहेंगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। बाकी इसमें हम जो है बच्चों को आने जाने का किराया भी दे रहे हैं, भोजन की व्यवस्था भी की गई है, माता पिता को भी आने जाने का किराया दे रहे हैं।